बिहार के सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 22 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने यादव और मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन अब वो यादव और मुसलमानों का एक भी काम नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट पर सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जीत तो गए, लेकिन वो पूरी तरह से खुश नहीं हैं। कम वोट मिलने के कारण उनमें नाराजगी है। एक कार्यक्रम में जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उनका दर्द छलक गया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब मैं यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा, यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई काम करवाने आते हैं तो जरूर आएं, लेकिन चाय नाश्ता कर वापस चले जाएं। देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा आप भी सुनिए उनका ये वायरल वीडियो। बेचारे का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया, आरोग्य का समस्या, रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे उसका दुकान उकान का जो होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे, उन्होंने कहा भाई साहब उनको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए हैं। कहा सर पहली बार आए। हमने कहा अभी अभी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से आपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा। इसलिए रविवार को आभार यात्रा के दौरान जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी में ये बयान दिया। उन्होंने सीतामढ़ी सीट से 5,15,719 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने 51,356 वोटों से आरजेडी के डॉक्टर अर्जुन राय को हराया। ऐसा कहा जा रहा है कि देवेश जीत का अंतर काफी कम होने से खफा हैं। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने आगे कहा कि हम यादव और मुसलमान वोट डालते समय तीर के निशान में पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं, तो मैं आपके लिए काम करते हुए लालू और लालटेन का चेहरा क्यों देखूं? मेरे यादव और मुसलमान भाई आइए, जरूर चाय नाश्ता कीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन काम की बात नहीं कीजिए, क्योंकि मैं आपका काम नहीं करूंगा। मैं पहली बार ये कह रहा हूं और अब मैं यही करूंगा। अब देवेश ठाकुर के इस बयान को लेकर बिहार की सियासत में भी उबाल आ गया है। पहले जेडीयू में मतभेद दिखे और अब बीजेपी ने भी इशारों ही इशारों में नसीहत दे डाली। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने बिना किसी का नाम लिए बगैर कहा कि राजनीति में जातिगत दुर्भावना वाली कुंठा अभिव्यक्ति शर्मनाक और निंदनीय है, और यादवों की उपेक्षा से बिहार का भला नहीं हो सकता। बता दें, साल 2002 में राजनीति की शुरुआत करने वाले देवेश चंद्र ठाकुर सांसद चुने जाने से पहले कभी सीधे तौर पर जनता की अदालत में नहीं गए थे। निरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वो पहली बार 2002 में एमएलसी चुने गए थे। ये चुनाव उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और जीता भी था। इसके बाद उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया था। फिलहाल देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।